नमस्कार, मैं अंकित आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल एक्सेल ट्रिक्स बाय अंकित छाबड़ा में। आज का हमारा टॉपिक है एजिंग रिव्यू विदाउट एडवांसेस, राइट। देयर आर द टू टाइप्स ऑफ एजिंग, वन इज डेट एजिंग एंड द सेकंड वन इज क्रेडिट एजिंग, राइट। बट एजिंग में क्या होता है, मेन सबसे मेन चीज यही है कि आपने कितने एडवांसेस दिए हुए हैं या आपके पास कितने एडवांसेस आए हैं, राइट, और कितनी आउटस्टैंडिंग है, ठीक है। अब सडन आपके बॉस ने पूछ लिया कि आप मेरे को कोर्स वाइज आउटस्टैंडिंग दो या मेरे को स्टूडेंट वाइज आउटस्टैंडिंग दो, राइट, या मुझे फाइनल आउटस्टैंडिंग बताओ। तो क्या होता है, जब हम सिस्टमाइज्ड डेटा निकालते हैं, एजिंग रिपोर्ट निकालते हैं, तो उसमें हमारे एडवांसेस भी इंक्लूड होते हैं। और आपने देखा होगा जो भी एजिंग में टोटल आ रहा होता है, ग्रैंड टोटल आ रहा होता है, वो आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ एडवांसेस होता है, राइट। अब एक तरीका तो ये है कि आप एजिंग को अपना एक्सेल में डाउनलोड करें एंड देन एडवांसेस को वहां से रिमूव करें, राइट, एंड उसके बाद जो है, या फिर आप सब टोटल का यूज करके कर सकते हो। लेकिन ये एक बात है जब आपके पास स्मॉल डेटा है। अब मान लो मेरे पास, फॉर एग्जाम्पल, आई एम वर्किंग विद कॉलेज और एनी अदर इंस्टीट्यूट, राइट। वहां पे क्या क्या नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं, बहुत सारे, 1,000 2,000 स्टूडेंट्स हैं, 5,000 स्टूडेंट्स हैं। देन उस केस में क्या है कि थोड़ा इजी नहीं होता, आपको क्विक रिपोर्ट देनी होती है। देन उस केस में क्या, आपका पूरा डेटा मान लो एक्सेल में, और आपको सडन बोल दिया जाए कि आपको एजिंग रिव्यू है और उसके लिए आपको डेटा देना है, तो हाउ यू विल डू डैट। तो उसके लिए क्या है कि उस चीज को ही देखते हुए मैंने जो है एक प्रोसेस, एक सिस्टम बनाया है, एंड डेफिनेटली ये आपकी भी हेल्प करेगा। ऑफकोर्स मेरी तो करता ही है, तो आपकी भी हेल्प करेगा। तो लेट्स स्टार्ट, सीखते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि कुछ कॉलम्स हैं, लाइक कॉलम ए में मैंने जो है सीरियल नंबर दे दिए हैं, कॉलम बी मैंने अभी ब्लैंक रखा है जिसमें मैं एक फॉर्मूला लगाऊंगा, राइट। कॉलम सी में जो है मेरे पास स्टूडेंट नेम्स हैं, राइट, एंड कॉलम डी में मेरे पास कुछ कोर्स हैं, लाइक अलग अलग कोर्स हैं, कंप्यूटर कोर्स है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, एमबीए इन फाइनेंस, एमबीए इन मार्केटिंग, एमबीए इन एचआर, राइट। एंड द नेक्स्ट वन इज कॉलम ई। ई में क्या है, मेरे पास कुछ एक्टिव स्टूडेंट्स है, कुछ इनएक्टिव स्टूडेंट्स है, मीन्स कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने विथड्रॉ कर लिया है, राइट। एंड कॉलम एफ में जो है मेरे पास टोटल फीस है कोर्स वाइज, राइट। एंड कॉलम जी जो है मेरे पास जो है वो अमाउंट रिसीव है कि किस पर्टिकुलर स्टूडेंट से कितना अमाउंट मेरे पास रिसीव हो गया है, राइट। एंड कॉलम एच जो है वो ये दिखाता है कि अभी किसी स्टूडेंट से मेरे पास एक्सेस अमाउंट आया है या लेस अमाउंट आया है, राइट। अब बात आती है फाइनल आउटस्टैंडिंग की। ऑफ कोर्स आप बैलेंस देख रहे हैं, तो बैलेंस से तो एक पता चल ही जाता है कि मेरे पास टोटल 5,37,000 रुपीज की बैलेंस है। बट क्या ये सही है? नहीं। द रीजन, क्योंकि इसमें क्या है कि एडवांसेस इंक्लूड हैं, राइट। ये एडवांसेस जो हैं इसमें इंक्लूड होने के बावजूद मेरी एजिंग जो टोटल आ रहा है वो आ रहा है, ठीक है। मीन्स एग्जैक्ट रिकवरेबल अमाउंट नहीं आ रहा है, राइट। तो इस केस में अब हम क्या कमांड लगाएं कि मेरे पास फाइनल आउटस्टैंडिंग आ जाए, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट, यहाँ पे मैं इक्वल टू लिखूंगा सम इफ। आपको सम इफ का यूज करना है, राइट, पैकेज स्टार्ट। इसके बाद इसने बोला रेंज, तो रेंज में क्या है, मैं सिर्फ सिंगल सेल को ही सिलेक्ट करूंगा, कॉमा। नाउ क्राइटेरिया, क्राइटेरिया में क्या करूंगा, डबल कोट्स में मैं ग्रेटर देन जीरो कर दूंगा, ग्रेटर देन का साइन लगाऊंगा, जीरो लगाऊंगा, डबल कोट्स क्लोज कर दूंगा, कोमा लगाऊंगा, एंड देन अगेन फॉर्मूला पूछ रहे सम रेंज। यहां भी आपको रेंज नहीं लेनी है, आपको सिर्फ पर्टिकुलर एक सिंगल सेल को सिलेक्ट करना है, एंटर कर देना है। तो अभी क्या हुआ, आपने देखा यहाँ पे इसने जीरो दिखा दिया, रीजन क्योंकि ये माइनस में फिगर था, तो जितने भी माइनस फिगर हैं ये इसको यहाँ पे नहीं दिखाएगा। ये आप देख सकते हो यहाँ पे, जब मैंने इस फॉर्मूला को नीचे अप्लाई किया, राइट, तो इसने दिखा दिया। तो सो टोटल फाइनल आउटस्टैंडिंग हमारी कितनी होगी, 5,83,000 रुपीज की, ठीक है, फाइन। अभी आपने इतना सीख लिया कि फाइनल आउटस्टैंडिंग कैसे निकाल, बट सडन आपके बॉस ने बोला कि कुछ गलत है। द रीजन, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो ऑलरेडी विथड्रॉ कर चुके हैं और आपने तो उनको भी इसमें कंसिडर कर लिया है। तो एक तरीका तो ये है कि आप मैनुअली इसमें से रिमूव करेंगे, बट अगर मुझे मैनुअली रिमूव नहीं करना है तो उस केस में क्या करेंगे, ठीक है। तो उस केस में हम सम इफ्स का यूज करेंगे, मीन्स मल्टीपल कंडीशन का यूज करेंगे। तो मल्टीपल कंडीशन लगाने के लिए सबसे पहले मुझे लिंक वाले सेल में एक फॉर्मूला अप्लाई करना है, वो होगा इक्वल टू इफ बकेट स्टार्ट। तो मैं क्या करूंगा, जो मेरी बैलेंस वाली फिगर्स हैं
उसको सिलेक्ट करूंगा, राइट। लेस देन जीरो अगर है, एच फाइव अगर लेस देन जीरो है तो मेरे को यहां पे माइनस लिख कर दे दे, राइट। अदरवाइज ये मेरे को प्लस लिख दे, ठीक है। तो आपको भी क्या करना है, इफ मैंने एच फाइव को सिलेक्ट किया लेस देन जीरो कॉमा डबल कोट्स में माइनस को लेना है एंड देन कॉमा डबल कोट्स में प्लस को लिख लेना है एंड देन ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देना है। तो आप देख लो यहाँ पे इसने दिखा दिया माइनस। सेम इस फॉर्मूला को मैं नीचे तक अप्लाई कर दूंगा। अप्लाई करने के बाद आप देख लो जहां भी माइनस है इसने उसको माइनस लिख दिया एंड रेस्ट ट्रांजेक्शन को इसने प्लस लिख दिया, ठीक है। अब बात इज इक्वल टू सम एप्स, राइट। उसके बाद ये कह रहे हैं सम रेंज। सम रेंज हम कौन सी लेंगे, बैलेंस वाले कॉलम की, ठीक है। अब आपको सम रेंज में रेंज नहीं लेंगे, सिर्फ पर्टिकुलर सेल सिलेक्ट करना है, कॉमा क्राइटेरिया वन। क्राइटेरिया वन हम कौन सा लेंगे, जो हमने लिंक के थ्रू निकाला है, ठीक है। उसके बाद इसने बोला क्राइटेरिया, ठीक है। तो मैंने डबल कोट्स में क्या लिख दिया, प्लस, क्योंकि मुझे सिर्फ पॉजिटिव फिगर्स चाहिए क्योंकि मुझे डेटा रेजिंग का रिव्यू करना है, राइट। डबल कोट्स क्लोज कॉमा, इसने बोला क्राइटेरिया रेंज टू। क्राइटेरिया रेंज टू मैंने क्या दे दी, मैंने दे दी स्टेटस, राइट कॉमा। यहां मैं क्या लिखूंगा, एक्टिव डबल कोट्स में इन ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा, ठीक है। और इस फॉर्मूला को नीचे अप्लाई कर दूंगा एंड, ठीक है। और यहां पे जो है आपका सम आ जाएगा। तो ओवरऑल आपने देखा बैलेंस कितना दिखा रहा था, आफ्टर एडजस्टिंग एडवांसेस इट इज 5,37,000। जब मैंने फाइनल आउटस्टैंडिंग निकाली सिर्फ माइनस वाली फिगर्स को हटा के एडवांसेस को, दैट इज 583। बट जब मेरे बॉस ने बोला कि नहीं मेरे को तो सिर्फ एक्टिव स्टूडेंट्स का डेटा ही चाहिए, आप विड्रो वाले का क्यों कंसिडर कर रहे हो, तो कितनी हो गई, 4 लाख रुपीज, ठीक है। क्योंकि इसमें क्या है, यहाँ पे विड्रो जो है ये वाला है, विड्रो का आपने देखा ये नहीं आया, यहाँ भी आप देख रहे हो इस सेल में नहीं आया। तो सिस्यूम में इस स्टूडेंट को, जी स्टूडेंट को मैं विड्रो दिखा देता हूँ। जैसे मैं विड्रो दिखाऊंगा आप देख रहे हो यहाँ पे फिगर चेंज हो गए, ठीक है। लेट्स ज़ूम इसको विड्रो कर देते हैं। तो यहाँ भी आपने देखा टोटल आउटस्टैंडिंग जो मेरे को रिकवरेबल मेरे डेटर्स हैं वो 3,68,000 के हैं इंस्टेड ऑफ 583 के, राइट। तो आई थिंक आपको ये वीडियो काफी अच्छी लगी होगी, तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच।